और देखिए जहाँ पर ये रखबाग है, और रखबाग में पंछियों को दाना वगैरह लोग डालने के लिए आते हैं, दाना चुगते हैं ये। और जहाँ पर एक संस्था भी बना रखी थी, तो जहाँ पर उनके बोर्ड वगैरह बहुत लगे होते थे पंछी सेवा सोसाइटी के नाम से, लेकिन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनके दिशा निर्देश अनुसार अब जहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें किसी एनजीओ का नाम हो या कुछ और हो, तो इसलिए जहाँ से सब हटा दिए गए हैं। तो जहाँ पर पहले ये शेड वगैरह भी लगा रखा था इन लोग, वो भी हटा दिया गया है। कुर्सी तो जहाँ पर है, और देखिए अब ये ओपन ही है सारा जितना भी है जहाँ पे। पहले जहाँ पर शेड था वो गिरा दिया गया है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है, हमारा जो देश का कानून बना हुआ है, कि आप लोग पार्क में प्राइवेट पब्लिक पार्क में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें जो सैर करने वाले लोग हैं या दूसरा कोई ऐसा काम हो जिससे जो ग्रीनरी है उसको फर्क पड़े। तो देखिए जहाँ से तभी हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक ही जो कमरा बाकी है, तो यहाँ देखिए सभी कबूतर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किसी ने वहाँ पर कंप्लेंट किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी, यहाँ पर जो वो कंटीन वगैरह थी वो भी हटा दी गई सारी रखबाग से, और जहाँ पर हीरो साइकिल वाले जो मेंटेन करते थे उनको भी जय हिंद बोला गया कि आप लोग जहाँ पर कोई अपना पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, पर्सनल कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो पार्क है उसको पार्क ही जैसे भी उसकी पोजीशन है वैसे ही रहने दें, तो उसमें फेर बदल मत करें। तो ये घूमने फिरने के लिए ही है। तो यहाँ पर पहले जो फिर दिखा दीजिए, ये शेड था ये गिरा दिया गया यहाँ पर, और जहाँ जो बोर्ड लगे हुए थे उनके जो संस्था वगैरह के, नहीं तो हर कोई संस्था वाला यहाँ अपने बोर्ड लगा लेगा अपने, यानी कि फिर उनके यानी कि जहाँ पर जितनी एनजीओ हैं वही अपना अपना यहाँ पर सिस्टम चालू कर लेंगे। तो इसलिए नगर निगम ने जो कानून के मुताबिक यहाँ से सभी के नाम वगैरह हटा दिए हैं। चलिए बंटी बाहर चलते हैं अब।